नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक बड़ी सूचना साझा करेंगे। सूचना क्या है, एक बार आप अपने स्क्रीन पर देख लें कि विभागीय टेट कराकर समायोजित किए जाएंगे शिक्षा मित्र। साथियों, इस बात की वास्तविकता क्या है और किनके द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है, ये सारी बातें तो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके बाद नीचे की लाइन आप देख लें कि शिक्षा मित्रों को कल मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। किस बात की खुशखबरी मिल सकती है, ये सारी जानकारियां प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आपके स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक स्टेटस दिख रहा होगा। दरअसल ये आप सभी के केस का स्टेटस है, कौन से केस का और ये केस कब दायर हुआ, ये सारी जानकारियां आप यहां पर देख सकते हैं। जहां पर केस यानी कि रिट नंबर यहां पर आप देख लें, जो कि ऊपर लिखा है, आपको कम थोड़ा विजिबल हो रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर पिटिशनर आप देख सकते हैं कि दिनेश चंद्र मिश्रा, इनके द्वारा ये रिट दायर की गई है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ यूपी एंड फोर अदर्स, और सारी जानकारियां यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि फोर अदर्स यहां पर कौन कौन है, जहां पर काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट और सारी जानकारियां यहां पर देख लें। फिलहाल के लिए मेन जानकारी जो आपके साथ साझा करनी थी वो यहां पर है। यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे कि फिलिंग नंबर है, सीएनआर नंबर है आप सभी का, आप सभी अगर चाहें तो डायरेक्टली इसे ऑफिशियल रूप में कोर्ट की साइट पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हाल ही के दिनों में एक रिट आपके लिए दाखिल की गई थी कि शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, और उसके लिए चाहे विभागीय टेट कराना पड़े तो सरकार वो भी कराए। ये रिट इसी के लिए दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाइयां इसके पहले हो चुकी है। जानने वाली बात ये है कि कल यानी कि 5 तारीख को, 5 जनवरी को आप सभी की जो सुनवाई है वो दोबारा से होने वाली है, जहां पर इस रिट के ऊपर आज से पहले भी सुनवाइयां हो चुकी है। लगभग ये चौथी सुनवाई है इस बार, जहां पर अभी तक फाइनल डिसीजन कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन कल ये पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि कोर्ट के द्वारा आप सभी के लिए कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ जाए। फिलहाल के लिए साथियों आप ये मानकर चलें कि हो सकता है कि कल की डेट में आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए आप सभी इस चैनल पर बने रहें, और ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।